जन अभियान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में क्षेत्रीय महानिदेशक मूल्यांकन एवं सांख्यिकी अतहर कादरी ने आज बांदीपुरा जिले का दौरा कर एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम एबीडीपी के तहत की गई विकासात्मक पहलों की प्रत्यक्ष समीक्षा की। शुरुआत में उन्होंने संबंधित विभागों के साथ बैठक में कई विकास क्षेत्रों की समीक्षा की। मिनी सचिवालय बांदीपुरा के नए वीसी रूम में स्वास्थ्य शिक्षा R&B RDD भेड़ पालन और अन्य विभागों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। बांदीपुरा के संयुक्त निदेशक योजना इम्तियाज अहमद ने अधिकारी को बताया कि एबीडीपी कार्यक्रम जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सूचित किया गया है कि प्रखंड आरिन के 11 एवं तुलेल प्रखंड के 4 कार्यों का समय पर आंकलन कर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर टेंडर कर दिया गया है। इसी प्रकार दोनों प्रखंडों में सभी 15 कार्य आवंटित और निष्पादन के अधीन है। अब तक 3 काम पूरे हो चुके हैं और बाकी 2 महीने में पूरे हो जाने की उम्मीद है। योजनाओं की समीक्षा करते हुए महानिदेशक अतहर कादरी ने अधिकारियों से जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा पर टिके रहने को कहा। उन्होंने आगे इस तथ्य पर जोर दिया कि तुलैल ब्लॉक में जल्दी बर्फबारी हुई है, इसलिए लक्ष्य हासिल करने के लिए उचित रणनीति बनाई जानी चाहिए। डीजी ने कहा कि जन अभियान के तहत विभागवार विकास कार्यों को पूरा किया जाना है और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ साथ विभागों पर जोर देकर परियोजनाओं की शत प्रतिशत निर्धारित समय के साथ पूर्ण निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। अधिकारी के साथ आने वाले अधिकारियों में जिला कार्यक्रम अधिकारी बांदीपुरा मोहम्मद अशरफ हक, CMO, CEO, CAO, CAHO, LDM, XEN, PDD, पूर्व R और B और जिला भेड़ पालन अधिकारी बांदीपुरा शामिल हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।